फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्किंग मामा। और मल्टीटास्किंग मामा में मैं रीना फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर, जो कि है आज आपके बच्चों से रिलेटेड, छोटे छोटे न्यू बॉर्न्स और जो भी टोटलर्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, सो आप लोगों ने डाइपर यूज़ करते हैं नहीं करते हैं? मुझे कमेंट करके पहले तो ज़रूर ये बताइए कि आप डाइपर यूज़ करते हैं बच्चों के लिए या नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, डाइपर जब भी आप यूज करते हैं, अरे डाइपर पूरे दिन मत लगाना वरना बच्चे को रैशेज हो जाएंगे। गर्मी है, गर्मी में तो बच्चे को लाइक ब्लूमर्स पहना के रखो या नैपीज होती है कपड़े की वो पहना कर रखो, क्या तुझे डाइपर पहना कर रखती है। तो स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हैं, क्यों यार मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे को डाइपर पहनाऊँ या नहीं पहनाऊँ, कितने अच्छे से सो रहा है, कितने अच्छे से खेल रहा है, बट अगर मैं डाइपर उतार दूँगी और उसकी नैपी गीली हो जाएगी, ब्लूमर गीला हो जाएगा, वो अनकम्फर्टेबल होगा, फिर वो रोएगा। सो बट उसका रोना वो चीज़ नहीं दिखती है, बट सबको ये दिख जाता है कि हाँ डाइपर यूज़ हो रहा है, डाइपर क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी लेग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो एंड सो बहुत सारी ऐसी माइथ्स हैं जो कि हमें हमेशा सजेशंस मिलते रहते हैं, अनवांटेड सजेशंस जो होते हैं। ठीक है, सो देखिए अनवांटेड भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो लोग शायद हमारी केयर करते हैं तो इसीलिए वो हमें ऐसा सजेस्ट करते हैं, बट मैं आज आप लोगों की और जितने भी न्यूली मदर्स हैं उन लोगों के जो डाउट्स हैं बच्चों के डायपर्स को लेकर, वो सारे आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कवर अप करेंगे, पहले बच्चे को डायपर कौन सा पहनाना चाहिए, डायपर पैंट्स पहनानी चाहिए या फिर नॉर्मल वेलक्रो वाले डायपर्स होते हैं वो। सेकंड हम कवर अप करेंगे कि किस तरीके से हमें बच्चे को डायपर वियर कराना चाहिए कि उसको रैशेस का प्रॉब्लम ना हो और वो अनकंफर्टेबल ना रहे। ठीक है, और मेरे पास है दो तरीके के डायपर। एक है ये आपका डायपर पैंट जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप छोटी से छोटी शॉप्स पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये डायपर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग हम बात करेंगे इस वाले डायपर की जो कि होता है वेलक्रो टाइप। यहाँ पर एक वेलक्रो होती है तो ये बच्चे को हम लाइक ओपन करके आराम से उसे फिट एंड फाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सो मैं पहले आपको पैंट्स के बारे में बता दूं, तो ये जो नॉर्मली डायपर पैंट्स होती हैं, ठीक है, बहुत लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा उनको लगता है कि इजी वे है बच्चे को लाइक पैंटी की जगह सीधा आप इसको पहना दीजिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग डायरेक्ट बेबी गर्ल है तो फ्रॉक के नीचे इसी को पहना कर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है वो उस टाइम पर, है ना। सो अगर मैं इसके डायपर की बात करती हूँ तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरा बेबी छोटा हुआ करता था और लाइक अभी बड़ा भी हो गया है, सो जब भी मैं ये डायपर वियर कराती हूँ तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। लाइक अगर बच्चा सो रहा है तो आपके उसको पूरी लेग्स वगैरह पकड़ के पूरा पैंट की तरह ऊपर खिसकाना होगा, ठीक है, ऊपर चढ़ाना होता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसकी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बट बच्चे की नींद हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा जितना ज़्यादा देर सोता है उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है, राइट। सो ये मुझे इसकी डिसएडवांटेज लगी। सेकंड डिसएडवांटेज मुझे इसका ये लगा कि जब भी मैं इसको वियर कराती हूँ तो मैं इसमें पाउडर वगैरह जो होती है वो ठीक से नहीं लगा पाती। अगर मैंने बच्चे की स्किन के ऊपर पाउडर लगा दिया है और जब मैं डायपर से वियर कराती हूँ तो सारा उसका पाउडर नीचे बिखर जाता है, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको पहनाने के बाद यहाँ से कोशिश करती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इसमें मशक्कत करनी पड़ती है कि उसको हार्म ना हो या उसकी स्किन को प्रॉब्लम ना हो पाउडर लगाते टाइम, ठीक है। एंड सेकंड जो इसका मुझे डिसएडवांटेज लगा कि देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर इलास्टिक है, राइट। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा थिनर बॉडी का है, लाइक उसकी कमर बहुत ज़्यादा पतली है और आप ये डायपर लेकर आए हैं तो अगर ये लूज है तो बिल्कुल आपका यूजलेस ही होगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, मेरी नेबर थी तो उनकी छोटी बच्ची थी तो उन्होंने स्मॉल साइज ही मंगवाया था, बट उस बच्ची का साइज उस टाइम पे इतना छोटा साइज था बच्ची का
कि ये डायपर उनको यूज नहीं कर पाई वो 6 महीने तक भी, क्योंकि अगर यहाँ से भी लूज था प्लस यहाँ से भी लूज था तो बच्चा जब भी पॉटी करता था तो उसके सारे कपड़े बैक साइड से जो पॉटी होती थी वो पूरा बैक कर जाती थी, सारे कपड़े गंदे हो जाते थे, तो ये प्रॉब्लम रहती रहती थी। सो मेरे हिसाब से ये पैंट ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता है, बट हाँ सम टाइम जब इमरजेंसी है कुछ ऑप्शन नहीं मिलता तो आप इसको फॉर इमरजेंसी टाइम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना भी इसका मैं नहीं बोलूंगी कि डिसएडवांटेज ज्यादा है, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आप इसको वियर करा सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं करती हूँ इस वाले डायपर की बात, ये मैंने लिया है हगीज का है डायपर, ठीक है। मिशकू के टाइम पर मैं पैम्पर्स यूज करती थी और अभी जब जॉर्ज हो गया है तो जॉर्ज के लिए हम लोग ये हगीज वाले डायपर यूज करते हैं। थोड़े से रीजनेबल पड़ता है, क्वांटिटी भी अच्छी जाती है, तो ये मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब इसमें सो देखिए, अगर बच्चा आपका सो रहा है, ठीक है, उसकी जस्ट लैग आप पुट करेंगे, उठाएंगे एंड सीधे डायपर को इस तरीके से रख देंगे तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं हो, ये पूरा आपका ओपन है, ठीक है। और इसे साथ ही आप उसके ऊपर से स्किन के ऊपर पाउडर वगैरह भी आप लगा सकते हैं, तो ये पाउडर भी आपका वेस्ट नहीं होता है और पूरी स्किन पर उसका इजिली यूज भी हो जाएगा, ठीक है। और जो पाउडर नीचे गिरता भी है वो आपके डायपर में ही रहेगा, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ब्रीथेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड इसकी अगर मैं बोलूँ कि एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब जो करता है ये बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर देता है आराम से। वैसे तो बोला जाता है कि 3 से 4 घंटे में आपको बच्चे के डायपर्स हैं वो चेंज कर देने चाहिए, बट अगर मैं इसकी बात करूं तो डे टाइम में मैं इस डायपर को आराम से 5 से 6 घंटे तक यूज़ कर लेती हूँ। बट मैं यूज़ किस तरीके से करती हूँ वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को रैशेज से बचा लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये करा, अगर बच्चे की कमर पतली है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, टाइट या लूज जैसे भी करना है आप आराम से कर सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पर इसमें वेलक्रो होता है, यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे और इस तरीके से ये पेस्ट अप हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर मैं इसकी इलास्टिक की भी बात करती हूँ, ये वाली जो लास्टिक है ये इतनी सॉफ्ट होती है तो उसकी कभी लाइनिंग्स वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अब मैं डायपर वेलक्रो डायपर की बात करती हूँ तो ये मेरे लिए है नंबर 1। सो गाइस अभी तो मैंने आपको डिफरेंस बताया दोनों डायपर्स में कि कब कौन सा डायपर ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। नाउ मैं अब आपको डायपर यूज करने का तरीका और बता देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है, फिर आप बेफिक्र होकर अपने बच्चे को डायपर वियर करा सकते हैं। देखिए बच्चे को जो रैशेज होते हैं उसके पीछे क्या रीजन होता है, देखिए बच्चे को जब भी हम डायपर पहनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायपर जो है बहुत देर तक नहीं आपको वेयर कराना चाहिए डे टाइम में, तो स्पेशली क्योंकि एक्टिविटी बच्चे की बहुत ज्यादा उस टाइम पर होती है, ठीक है। एंड आपको लाइक जो डायपर होता है आइडली तो 4 to 5 hours में आपको जो डायपर है वो चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि जब भी आप बच्चे को डायपर वियर कराते हो तो उसमें जो रैश फ्री क्रीम होती है आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। साथ ही आप कैंडिड मैं जो अभी यूज कर रही हूँ कैंडिड पाउडर यूज कर रही हूँ, कैंडिड डस्टिंग पाउडर, और मार्केट में अभी तरीके के डस्टिंग पाउडर होते हैं जैसे एब्जॉर्ब हो गया तो आप वो भी यूज कर लेते हैं। बट नॉर्मली मदर्स क्या करती हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता वो नॉर्मली जो बच्चे का लाइक बॉडी पाउडर होता है वो उसी को यूज कर लेते हैं डायपर्स में। यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि बच्चे की स्किन खराब होती है, उसको रैशेस की प्रॉब्लम होती है, और फिर वही लोग हैं जो आगे चल के एग्जाम्पल देते कि बच्चे को डायपर नहीं पहनाना चाहिए। सो मैं आप लोगों को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप बच्चे को डायपर वियर कराते हैं इस वाले पाउडर का यूज ना करते हुए आप कोई भी डस्टिंग पाउडर यूज कर लीजिए, ठीक है। डस्टिंग पाउडर बहुत ज़्यादा लाइक कंफर्टेबल होता है, और कहा जाए तो
इचिंग और जो स्किन इरिटेशन होता है उसको भी दूर करता है, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर सम टाइम आपके बेबी को रैशेस हो गए हैं, ठीक है, सो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रैश फ्री क्रीम होती है जो कि मेरे फैमिली में बहुत टाइम से यूज़ हो रही है। लाइक मेरी भाई के बच्चों ने भी यूज़ करा है, ठीक है, मेरे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब भी यूज़ कर रहे हैं। सो मार्केट में जो भी अदर रैश फ्री क्रीम्स आती हैं तो उससे ज़्यादा बेटर मैं ये वाली क्रीम को रिकमेंड करूँगी। रैश फ्री के नाम से आती है मार्केट में, ठीक है। सो अगर बच्चे को आपको कभी भी रैशेज हो गए, सो यू जस्ट डोंट वरी, आप उस टाइम पर भी बच्चे को डाइपर वियर करा सकते हैं, बट थोड़े से एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने होंगे। जब भी आपको बच्चे को डायपर वियर कराना है तो उसको अच्छे से वाइप कर दीजिए। वाइप करने के बाद जहाँ पर भी उसको रैशेज हुए हैं, रैश फ्री क्रीम थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे और उस एरिया पे लगा दीजिए, ठीक है। और लगाने के बाद आप कोई भी डस्टिंग पाउडर, या मैं पर्सनली बताऊँ तो कैंडिड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं रिकमेंड इसको करती हूँ, तो आप इस पाउडर को सीधे उसके ऊपर डाइपर पे भी लगा दीजिए, थोड़ा बहुत डाइपर पर भी लगा दीजिए, और जो वहाँ पर उसको स्किन पर हुआ है रैशेज उस एरिया पे भी ज़्यादा आप लगा दीजिए, ठीक है। यू वॉन्ट लीव इट, आपका लाइक जब आप नेक्स्ट डायपर उसमें चेंज करेंगे आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं, बच्चे के रैशेस पे बहुत ज़्यादा आराम होता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब भी बच्चे को रैशेस हुए हैं तो उस टाइम पर उसको लाइक गीला नहीं रहने देना है, ठीक है। अगर आपको डायपर नहीं वियर कराना तो डायपर वियर मत कराइए, बट उसका पैंटी भी या जो भी ब्लूमर है, सॉरी ब्लूमर भी आप ध्यान रखिए, नैपीज ध्यान रखिए कि वो गीला तो नहीं है, उसने टॉयलेट तो बच्चे ने नहीं कर दिया है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सेकेंड थिंग, अब रैशेस क्यों होते हैं, रैशेस क्यों होते हैं कि पीछे रीजन ये होता है कि जब भी आपने बच्चे को डायपर वियर कराया है तो आप उसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहिए कि बच्चे ने कहीं पॉटी तो नहीं कर दी है। पॉटी आपका बच्चे ने कर दिया है और वो 10 से 15 मिनट तक और उसी डायपर में है और उसी पॉटी वॉश नहीं हुई है, तो डेफिनेटली बच्चे को रैशेज उस टाइम पर हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है कि तभी तुरंत आपको डायपर चेंज कर देना है। अगर कभी भूल से भी रह गया कि बच्चे ने बहुत ज्यादा टाइम हो गया और आप चेक नहीं कर पाए और बच्चे ने पॉटी की हुई है, तो डायपर तुरंत आप उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, फ्रेश वाटर से उसे वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद अच्छे से वाइप कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा 5-10 मिनट के लिए उसे ओपन कर दीजिए ताकि उसमें हवा लगे, ठीक है। और फिर जब भी आप डायपर उसको वेयर कराएंगे तो जहां पर रैश उसे हुआ है या पूरी स्किन पर, नॉट टू ऑल, पूरी स्किन पर आप उसको रैश फ्री क्रीम सबसे पहले लगा दीजिए, देन उसके बाद डस्टिंग पाउडर उसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिए। उसमें कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। बच्चे की स्किन ज़्यादा मैटर करती है ना कि एक पाउडर, राइट। सो डस्टिंग पाउडर आप उसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिए और फिर आप उसको बच्चे को डायपर वियर करा देना। सो उस टाइम पर बच्चे को डस्ट लाइक रैशेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग और मैं आपको बता दूं कि रैशेज का क्या होता है, जब मेरी मिशकू थी उस टाइम पर मैं जॉब किया करती थी तो मैंने क्या था, बेबी बेल्ट ली हुई थी, तो बेबी बेल्ट का ही मैं यूज़ वहाँ पर करती थी, तो उसको मैंने बेल्ट में अटैच करके मैं दीदी के घर तक छोड़ा करती थी। तो क्या होता था कि बेल्ट है और उसके ऊपर से बच्चा जब प्रेशर पड़ रहा है वो सिटिंग एरिया पे तो बेल्ट आती आती है, तो उसकी जो स्किन थी वो स्किन डायपर के साथ जब रब होती थी तो वो भी एक बिगेस्ट रीजन होता था बच्चे की रैशेस का। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखना कि जब भी आपने बच्चे को बेल्ट वियर कराया हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी आप डस्टिंग पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लीजिए, सो डैट ये होता है कि स्किन जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, राइट। सो बस ये 2-4 चीज़ें हैं जो जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप बच्चे को डायपर वियर करा सकते हैं। सो आप भी फिर कह सकते हैं किसी को भी कि बच्चे को डायपर पहनाना बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, राइट। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको भी कोई भी रैशेज से रिलेटेड कोई भी लाइक क्वेरी होती है या डायपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में पूरा क्लैरिटी आपको दे दूंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो वगैरह कैसा लगा है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को। एंड प्लीज़ मैं ये भी चाहूंगी
कि आप लोग भी मुझे बताइए कि आपको आने वाले टाइम में और किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, और ऐसे ही आप लोग देखते रहिए. ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.